हेलो व्यूवर्स, व्यूवर्स आज मैं आपके लिए लाया हूँ फेमस तुर्किश एक्टर जैम उकचन के बेहतरीन ड्रामास और मूवीज़ की लिस्ट, जिन्हें आप उर्दू हिंदी सबटाइटल या डबिट में वॉच कर सकते हैं। नंबर 6, दलीलर। दलीलर 2018 की फेमस हिस्टोरिकल तुर्किश फिल्म थी, जिसमें जैम उकचन ने गुकुर्द का रोल अदा किया, जबकि इस फिल्म को आप उर्दू सबटाइटल के साथ यूट्यूब पर वॉच कर सकते हैं। नंबर 5, जीने की वजह। जीने की वजह या वेव ऑफ होप 2018 की फेमस एक्शन क्राइम टीवी सीरीज थी, जिसे 2020 में ड्रामा सेंट्रल ने उर्दू लैंग्वेज में रिलीज किया, जबकि इस ड्रामा सीरियल की कुल किस्तें उर्दू हिंदी डबिट में 36 हैं। नंबर 4, लावारिस। लावारिस 2013 का तुर्किश एक्शन रोमांटिक ड्रामा सीरियल था, जिसको 2018 में CTV ने उर्दू लैंग्वेज में रिलीज किया, जबकि इस ड्रामा सीरियल की कुल एपिसोड उर्दू लैंग्वेज में 90 हैं। नंबर 3, फ्लिंटा मुस्तफ़ा। फ्लिंटा मुस्तफ़ा 2014 की TRT-1 की स्पाई फैक्शन टीवी सीरीज थी, जो सल्तनत उस्मानिया के जासूस फ्लिंटा मुस्तफ़ा पर बनाई गई है। इस सीरीज में जैम उकचन ने फ्लिंटा मुस्तफ़ा का रोल अदा किया, जबकि इस सीरीज को आप उर्दू सबटाइटल के साथ वॉच कर सकते हैं। नंबर 2, पाया तख्त अब्दुल हमीद। पाया तख्त अब्दुल हमीद 2017 की हिस्टोरिकल तुर्की सीरीज थी, जो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद पर बनाई गई है। इस सीरीज में जैम उकचन ने अहमद पाशा का रोल अदा किया, जबकि इस सीरीज को आप उर्दू सबटाइटल या उर्दू डबिड में वॉच कर सकते हैं। नंबर 1, दिरलिस अर्तुगरुल। दिरलिस अर्तुगरुल या अर्तुगरुल गाजी 2014 का मोस्ट फेमस हाई रेटेड हिस्टोरिकल तुर्किश ड्रामा सीरियल था, जिसमें जैम उकचन ने अलियार बे का रोल अदा किया, जबकि इस ड्रामा सीरियल को आप उर्दू डबिट और उर्दू सबटाइटल में वॉच कर सकते हैं।